Assalamu alaikum, welcome to my channel BSN Generic for All. So today we are going to discuss community health nursing topic food sanitation. So without wasting time, let's start the video. Food sanitation के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि food sanitation होती क्या है. Community health nursing में हम जो है fifth chapter करते आ रही हैं जिसका ये fourth part है food sanitation का. बाकी तीन पार्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप वो देख सकते हैं. सो फूड सैनिटेशन क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं इस टॉपिक को कि फूड सैनिटेशन होती क्या है. सो फूड तो ऑब्वियसली सबको पता है कि फूड क्या होती है, खुराक होती है. सो सैनिटेशन क्या होती है. अब सैनिटेशन का वर्ड जो है ये स्पेसिफिकली कोई फूड के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि सैनिटेशन जो है ये किसी भी चीज़ की हो सकती है. सैनिटेशन हम कहते हैं है कि वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो फूड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर वो कोई फ्लोर हो, कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जब हम उसको कम्प्लीटली फ्री कर लें फ्रॉम डिजीज़, फ्रॉम डर्ट, दिस इज़ कॉल्ड सैनिटेशन. सो सैनिटेशन हम बेसिकली कहते हैं सफाई सुथराई को, कि हम किस तरह से फूड को सेफ तरीके से डिजीज़ से बचा सकते हैं, उसे डर्ट से बचा सकते हैं, उसे किस तरह से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकते हैं, उसकी कंटामिनेशन किस तरह से रोक सकते हैं, आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे. सो ऑब्जेक्टिव्स, आज हमारे ये क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो. सो फूड सैनिटेशन जो है, पहले समझते हैं फूड सैनिटेशन होती क्या है. यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है, फूड सैनिटेशन का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें आगे जो स्टेप्स आते हैं है कि हम किस तरह से फूड की सैनिटेशन करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं उसके, वो सारे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए. सो फूड सैनिटेशन की यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है, इसे कहा गया है कि ये वो रूल्स होते हैं, यानी कि इसके लिए रूल्स बनाए गए होते हैं सैनिटेशन के लिए. और ये सैनिटेशन के रूल्स जो होती हैं ये पहले से चले भी आ रहे हैं, यानी कि हर एक कस्टम पे डिपेंड करता है, हर एक के जो है रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है, नॉर्म्स पे डिपेंड करता है. सो फूड सैनिटेशन जो है, और अगर हम देखें तो ये फूड सेफ्टी वाले जो डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट में, फूड सेफ्टी का अलग डिपार्टमेंट होता है, वो ये रूल्स जो है बनाते हैं फॉर फूड सैनिटेशन के लिए, एंड लोगों को इससे अवेयर करते हैं कि किस तरह से वो फूड को बचा सकते हैं फ्रॉम कंटामिनेशन से, किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं. सो ये वो रूल्स होते हैं जिससे, जो कि बनाए गए होते हैं फूड की कंटामिनेशन को बचाने के लिए बनाए गए होते हैं, किस तरह से हम सेफ तरीके से फूड जो है वो ले सकते हैं. सो प्रैक्टिस ऑफ फूड सैनिटेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब तक ये फूड सैनिटेशन नहीं होगी तब तक के जो है, अगर हमें सही खुराक नहीं मिल रही है, डिजीज़ फ्री, कंटामिनेटेड फ्री फूड नहीं प्रोवाइड हो रहा है, देन हेल्थ अच्छी नहीं होगी. एंड अगर हेल्थ नहीं अच्छी नहीं होगी सो वो कंट्री जो है उसका इकोनॉमिक रेट भी अच्छा नहीं होगा. सो एक फूड सैनिटेशन की वजह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो जो है उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाता है, यानी कि वो सारे अफेक्ट होते हैं इससे, डिफरेंट तरीक़ों से हर चीज़ अफेक्ट होती है इससे, कोई एक चीज़ जो है स्पेसिफिकली अफेक्ट नहीं होती. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे फूड सैनिटेशन जो है फूड इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा अप्लाई होना चाहिए, यानी कि जहाँ से ये चेन स्टार्ट होती है, जहाँ से, जो कि आजकल जो है जितना भी फूड जो है, मोस्टली 80% फूड जो है वो तो इंडस्ट्रियल फूड आता है. सो इंडस्ट्रियल फूड जो है वो, उसका जो जितना सप्लाई चेन है वो सारा सैनिटाइज होना चाहिए, उस सब में सैनिटेशन अप्लाई होनी चाहिए, तभी अप्लाई हो सकती है और जगहों पे. और इसी तरह से ये चेन जो है, अगर ये कंटामिनेशन से बचा रहेगा, देन हेल्थ भी अच्छी होगी, फूड भी अच्छा प्रोवाइड होगा, एंड देन और ज़्यादा और सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी अफेक्ट नहीं होंगे. और स्पेशली अगर जो फूड चेन जो है वो इंडस्ट्रीज से चला आ रहा होता है, उसके बाद ये डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाता है, रेस्टोरेंट के बाद डिफरेंट वेटर्स जो हैं वो उसे सर्व करते हैं डिफरेंट प्लेट्स में, तो ये सारा जो चेन होता है इसमें कहीं ना कहीं कंटामिनेशन आ ही जाती है. इसके अलावा जो है होम कुक्स जो है उन्हें भी फूड सैनिटेशन जो है और इसकी सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए. सो कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द मोमेंट दैट फूड. अब इसमें यहाँ पे कहते हैं कि
उस मोमेंट से जब से फूड जो है वो हार्वेस्टेड किया जाता है, यानी कि फूड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, फूड्स फ्रूट्स वगैरह हैं, वो सारे जिस टाइम से उगाए जाते हैं, जब वो उगाए जाते हैं वहाँ से लेके उस टाइम पीरियड से लेके जब वो हम खाते हैं, हमारे पास आता है, हमारे घर में आता है हमारे पास, और हम वो खाते हैं यानी कि टेकन अप करते हैं, उस तब तक यहाँ पे जो है ये वल्नरेबल होता है टू क्रॉस कंटेमिनेशन, यानी कि उसमें अब इतना बड़ा जो चेन है सप्लाई का, यानी कि वो उगाया जाता है, फिर वहाँ से निकाला जाता है, उसे स्टोर किया जाता है, देन उसे डिफरेंट जगहों पे सप्लाई किया जाता है, फिर वहाँ से ये सेल आउट होता है एंड देन हमारे पास आता है। सो ये जो पूरा चेन है यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रॉस कंटेमिनेशन का जो है रिस्क होता है, वल्नरेबल होता है टू क्रॉस कंटेमिनेशन विद डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, विद डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। सो फूड सैनिटेशन की जो की है वो क्या है, मिशन क्या है कि जितना भी फूड है उसे हमने सेफ भी रखना है, उसे हमने कीप क्लीन भी रखना है, और उसको जितने भी हैंडलर करने वाले, यानी कि चाहे वो रेस्टोरेंट्स में शेफ़ हों, वेटर्स हों, या फिर घर में होम कुक्स हों, उन सबको उसकी हाइजीन का ध्यान रखना है ताकि उसमें कोई भी कंटामिनेट या हार्मफुल एलिमेंट जो है ऐड ना हो जाए। फूड सैनिटेशन की रिकमेंडेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा की गई है बाय जो फूड सेफ्टी वाले होते हैं, वो डिफरेंट गाइडलाइंस देते हैं इसके अकॉर्डिंग कि हमने फूड का टेम्परेचर कितना, यानी कि हर फूड का अपना टेम्परेचर होता है कि हमने इस टेम्परेचर पे इसे स्टोर करना है, वो टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए, कुकिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए फॉर मीट के लिए, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ अदर फूड्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए कितना होना चाहिए, मीट के लिए कितना होना चाहिए, स्टरलाइजेशन ऑफ कटिंग बोर्ड, यानी कि जिस कटिंग बोर्ड पे हम काट रहे होते हैं उसकी स्टरलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली कहा जाता है कि जैसे कि मीट फूड होता है उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया होता है जब तक कि वो पक ना जाए, तो उसका अपना एक हाई टेम्परेचर होता है जिसमें हमने उसे पकाना होता है ताकि वो सारे बैक्टीरिया उसमें से कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाए। जिस कटिंग बोर्ड पे हम काटते हैं उस पर भी अगर उसमें बैक्टीरिया है तो कटिंग बोर्ड पे भी होंगे, सो अगर हमने फिर कोई क्लीन चीज़ उस कटिंग बोर्ड पे काट दी तो वो भी कंटामिनेटेड हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। सो कंटामिनेट कटिंग बोर्ड जो है उसकी स्टरलाइजेशन के हवाले से जो गाइडलाइंस दी गई हैं कि हमने मीट फूड जो है, यानी कि जो प्रोटीनिशियस फूड है, मीट वगैरह जो होता है, फिश वगैरह होती है, चिकन वगैरह होता है, उसे हम जिस कटिंग बोर्ड पे काटते हैं उसके बाद हमने उसे वॉश करना है, उसके बाद उस पर वेजिटेबल्स वगैरह काटनी है। ये वाला पॉइंट हो गया है एक यहाँ पे। फिर आते हैं एट होम कॉमन सेंस प्रिकॉशंस लाइक कीपिंग फूड। अब होम में तो हमारे कॉमन सेंस की बात होती है कि अगर कोई फूड जो है उसे हमें ख़राब होने से बचाना है सो हम उसे रेफ्रिजरेट करते हैं। सो रेफ्रिजरेट करने के बाद अगर हम उसे यूज़ करेंगे सो उसमें जो है कंटामिनेशन कम होती है, फिर उसके बाद अगर हम उसे हीट करते हैं, हीटन अप करते हैं, गर्म करते हैं, सो उसमें वो सारे बैक्टीरिया जो है इरेडिकेट हो जाते हैं। हमने जितनी भी वेजिटेबल्स फूड वगैरह हम कंज्यूम करते हैं वो सारे हमने वॉश करने हैं अच्छी तरीके से, जितने भी हमने फूड को हैंडल करने से पहले भी अपने हैंड्स को भी वॉश करना है, फूड को भी वॉश करना है, और हीटिंग कुकिंग के हवाले से जितनी गाइडलाइन दी गई हैं, और फूड को जब हम एक दफ़ा रेफ्रिजरेट कर लें उसके बाद जो हीट करते हैं तो कितने टेम्परेचर पे हमने हीट करना है, और सेपरेट कटिंग बोर्ड्स हमने यूज़ करने हैं फॉर मीट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए, अलग अलग कटिंग बोर्ड्स यूज़ करने हैं, अगर हम एक कटिंग बोर्ड यूज़ करें तो उसकी कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमने उसे वॉश करना है। ओके, डेफिनेशन ऑफ हेल्थी फूड। अब हेल्थी फूड जो है हम किस फूड को कहते हैं कि ये हेल्दी फूड है? हर वो फूड जो कि चाहे प्लांट सोर्स से हमारे पास आया हो या फिर एनिमल सोर्स से आया हो, उसमें अपने अपने इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी प्रोडक्टिव लाइफ के लिए, हमारी हंगर को मिटाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेटिएटिंग हंगर यानी कि हमारी हंगर भूख को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो हेल्थी फूड जो है हम उस फूड को कहते हैं जो कि फ्री हो फॉर कंटामिनेशन, फ्री ऑफ माइक्रोब्स हो, फ्री ऑफ डिजीज़ फ्री हो, उसको हम हेल्थी फूड कहेंगे। और जो हेल्थी फूड होता है वो मिनिमली
प्रोसेस्ड आता है, सिर्फ इसको नहीं कहते कि उसमें कंटामिनेशन नहीं हो जाए, बल्कि वो प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड हम कहते हैं जो कि इंडस्ट्रियल उसे जो है उसके वर्क से गुजर के जो आया होता है। जैसे कि अगर हम इसमें कोई एग्जांपल ले लें, शुगर केन की एग्जांपल हम ले लें, गन्ने को शुगर केन जो कि गन्ना होता है, है सो उसमें जो है अगर हम वैसे दे देंगे तो वो अनप्रोसेस्ड फूड है, नेचुरल सोर्स है, उसका इतना नुकसान नहीं है अगर हम कंज्यूम करते हैं। लेकिन जब वो इंडस्ट्री से होके गुजरता है, इंडस्ट्री से होके गुजरता है, वहाँ से वो कन्वर्ट होता है इनटू शुगर फ्रॉम डिफरेंट प्रोसेसेस, तो इसे हम कहते हैं प्रोसेस्ड शुगर कहते हैं। शुगर केन जो है वो भी शुगर है, लेकिन जो चीनी के फॉर्म में हमारे पास आ रही है, दैट्स कॉल्ड प्रोसेस्ड शुगर, जो कि हेल्दी नहीं है, उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बिकॉज नेचुरल चीज़ जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है और वो हेल्दी फूड है। फिर है कि हर वो हेल्दी फूड जो कि हम अगर मॉडरेशन में, कंसिड्रेशन में ले रहे हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, हमारी लॉन्गेविटी प्रमोट करता है, रिड्यूस करता है, डिजीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो अच्छे से काम करते हैं, यानी कि हमारी डाइट बैलेंस रहती है, सो वी आर फ्रॉम डिजीज़ फ्री। हेल्दी फूड जो होते हैं उसमें कोई भी इंग्रेडिएंट कोई ऐसा नहीं होता जो कि डिजीज़ कॉज कर सकता हो, या फिर हमारी जो रिकवरी है उसमें कोई हिंडर पैदा करे, उसमें कोई रुकावट पैदा करे, जब हम नॉर्मल लेवल में वो ले रहे होते हैं, वो लाइक फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, ये कभी भी हमें डिजीज़ नहीं कर सकते, हमारी हेल्थ के लिए अफेक्टिव नहीं हो, हमारी हेल्थ को अफेक्ट नहीं कर सकते। ओके सो अब हम पढ़ते हैं फूड प्रिजर्वेशन क्या होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर एग्जाम्स। फूड प्रिजर्वेशन जो है ये क्या होती है, फूड को हमने किस तरह से प्रिजर्व करना है, यानी कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स को, यानी कि अगर एक मौसम का फूड है यानी कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह, उसे हम दूसरे मौसम में उसका मज़ा कैसे ले सकते हैं। सिंपल बातों में ये बात हो गई। फूड प्रिजर्वेशन यानी कि हम किस तरह से उसे प्रिजर्व करते हैं, किस तरह से उसे स्टोर करते हैं फॉर नेक्स्ट ऑफ डेज के लिए। सो फूड प्रिजर्वेशन जो है ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ट्रीट करते हैं फूड को, ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड, इसमें हम फूड को डिफरेंट प्रोसेस से होके गुजारते हैं, उसे हैंडल करते हैं ताकि उसकी स्पॉइलेज ना हो, यानी कि उसको स्पॉइल होने से बचाते हैं। प्रिजर्व करने का मतलब है स्टोर करते हैं, या तो रेफ्रिजरेट करेंगे या फिर उसके साथ कुछ और प्रोसेस करेंगे जिससे वो उसका जो स्पॉइलेज का प्रोसेस है, ख़राब होने का जो पूरा प्रोसेस है कि जब कब वो गल सड़ जाता है, वो प्रोसेस हम स्लो डाउन कर लेते हैं या फिर स्टॉप कर लेते हैं। सो यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं, या तो स्टॉप कर लेते हैं या फिर स्लो डाउन कर लेते हैं। लॉस ऑफ क्वालिटी, इटेबिलिटी और न्यूट्रिशन। अब इससे क्या हो जाता है कि अगर हम जब फूड प्रिजर्वेशन करते हैं तो उससे उसकी जो वो क्वालिटी होती है, उसके अंदर जो पहले जैसे न्यूट्रिएंट, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, उसमें जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिर वो उस तरह से नहीं रहते, यानी कि उसकी अमाउंट कम हो जाती है, है और इसे हम लॉन्गर टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। ओके एक फ़ायदा, एडवांटेज ये है कि हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, दूसरा एक डिसएडवांटेज भी है कि उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो उसकी कम हो जाती है। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो प्रिजर्वेशन जो है ये इसमें हम क्या करते हैं कि प्रिजर्वेशन आखिरकार फूड की होती कैसे है। प्रिजर्वेशन में हम फूड की एनवायरनमेंट के अंदर और फूड वो बैक्टीरिया, वो यीस्ट, वो फंजाई या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फूड पे रिएक्ट कर सकते हैं उसे स्पॉइल करने के लिए, उन सब की ग्रोथ को हम प्रिवेंट करते हैं, उस सब की ग्रोथ को स्लो डाउन कर देते हैं, उसे स्टॉप कर देते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं, या तो इसमें हम बिनाइन बैक्टीरियाज डाल देते हैं या फिर फंजाई डालते हैं फूड में, जिसकी वजह से भी ये जो प्रोसेस होता है ये स्लो डाउन हो जाता है, एज वेल एज रिटार्डिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। इसमें जो मेन रूल होता है वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स का, यानी कि रेंसिडिटी जो है ये वो प्रोसेस होता है जिसमें फूड जो है वो गल सड़ जाता है। सो रेंसिडिटी जो है ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स की वजह से होता है, और ये ऑक्सीडेशन जो है फैट्स की किस वजह से होती है। सो
ये किस तरह से होता है कि जब फूड जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन जो है वो हर जगह प्रेजेंट होता है. सो फूड जो है जब वो आता है इन जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, सो इसके अंदर जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. वो ब्रेक डाउन होने की वजह से और ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की जब ब्रेक डाउन हो जाती है तो इससे रिजल्ट में हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनते हैं, जो कि फिर इम्पार्ट करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर दे देते हैं फूड को, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है. या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो प्रोसेस होता है, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है एक प्रोसेस, इस पिक्चर में बताया गया है कि एक इनिशिएशन फेज होता है, एक प्रोपिगेशन फेज होता है, एक टर्मिनेशन फेज होता है. सो इनिशिएशन फेज में फ्री रेडिकल्स पहले फॉर्मेशन होती है. ये फ्री रेडिकल्स जो है ये ऑटो ऑक्सीडेशन से भी बन सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से भी हो सकता है, मैटर्स एंजाइम बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, फोटो ऑक्सीडेशन यानी कि लाइट की प्रेजेंस की वजह से भी हो सकता है. इनसे काफ़ी चीज़ों के बारे में ये कहा जाता है कि इसे लाइट से, हीट से दूर रखना है. थर्मल ऑक्सीडेशन के टेम्परेचर की ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकती है. जब फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन होती है तो ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, हाई एनर्जी फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, ये फूड पे रिएक्ट करते हैं, उसके फैटी एसिड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनके फैटी एसिड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से पर ऑक्साइड रेडिकल्स बनते हैं. फिर पर ऑक्साइड रेडिकल्स जो होते हैं इनकी डिकम्पोजिशन होती है फर्दर रेडिकल्स में, सेकेंडरी ऑक्सीडेशन में बाय प्रोडक्ट बनता है, जिसकी वजह से उसके डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन्स बनते हैं और उसे डिफरेंट जो है अनयूजुअल ऑर्डर्स आते हैं, अनयूजुअल टेस्ट आता है और वो फूड जो है वो रोट हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है. सो दिस इज़ द प्रोसेस. इसमें जो है हम मेन रोल पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स का, जिसकी वजह से फूड की रैंसिडिटी होती है. डिफरेंट जो है मेथड्स हैं यूज़ होते हैं फॉर फूड प्रिजर्वेशन के लिए फ्रॉम डिफरेंट पास्ट ईयर से जो यूज़ आते आ रही हैं, यानी कि फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स से जो यूज़ आते जा रहे हैं वो अब तक यूज़ किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है ड्राइंग का. ड्राइंग जो है ये वो फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा एंशियंट टाइम से चला आता आ रहा है. ये वो टेक्निक है जिसमें से हम क्या करते हैं कि वाटर जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं फूड से, यानी कि उसे बिल्कुल ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं उसका पानी, बिकॉज ये समझा जाता है कि वाटर जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है. यानी कि जब वाटर होगा तो वहाँ पे अगर बैक्टीरिया होगा तो वो ज़रूर ग्रो करेगा. बैक्टीरिया को वाटर पसंद है अपनी ग्रोथ के लिए, तो अगर हम वाटर ही हटा देंगे तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा, स्लो डाउन हो जाएगा या फिर स्टॉप हो जाएगा. सो वाटर जो है बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए बेस्ट सोर्स है, तो उसे हम हटा देंगे. दैट्स वी कॉल्ड इट ड्राइंग. ड्राइंग के बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो है रेफ्रिजरेशन. ये मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज पेपर के लिए. सो रेफ्रिजरेशन जो है ये हम कैसे करते हैं, यानी कि हम फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं, इसका टेम्परेचर जो है वो लो कर देते हैं ताकि इससे हीट ख़त्म हो जाए फॉर द पर्पज ऑफ प्रिजर्वेशन के लिए. सो रेफ्रिजरेटर जो है इसका क्या काम होता है, ये प्रिजर्व करता है फूड को. किस तरह से स्टोर करते हैं हम फूड को इसमें, कि इसके अंदर की जो बैक्टीरिया है उस सारी की ग्रोथ जो है, बैक्टीरिया जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या उसकी जो एंजाइम्स हैं वहाँ पे है, जितने भी एक्शनफुल एंजाइम हैं उन सब की उन सब को हम स्लो डाउन कर देते हैं. उसके प्रोसेस को, उसकी जो बायोकेमिस्ट्री है उसको हम स्लो डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर फूड रोट नहीं होता, यानी कि ख़राब नहीं होता है. बिकॉज जब हम कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ना ही ज़्यादा टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि एक्सट्रीम हीट पे भी वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ना ही एक्सट्रीम कोल्ड पे सर्वाइव कर सकते हैं. सो जब हम उसे एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर देंगे तब भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, स्टेटिक कंडीशन में आ जाएंगे. ज़रूरी नहीं है कि रेफ्रिजरेशन ये होता है कि वो कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं होते, लेकिन उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है. जितने भी कमर्शियल यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे, डोमेस्टिक यानी कि जो होम लेवल्स पे हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, ये डे बाय डे इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है. और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आसानी से हमें फ्रेश फूड अवेलेबल हो सकता है, चाहे वो फ्रूट्स हो, सलाद हो, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं जब वो सीजन के कांटेक्ट में आते हैं. सो वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम हर वेदर में यूज़ कर सकते हैं, चाहे जितना भी वार्म वेदर हो वो ख़राब नहीं होगा. फिर नेक्स्ट है फ्रीजिंग.
यानी कि हम कम्प्लीटली उसे फ्रीज कर दें, 0 डिग्री टेम्परेचर पे ले आए। सो फ्रीजिंग जो है, फ्रीजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज प्रोसेस होता है जो कि हम यूज़ करते हैं फूड की प्रिजर्वेशन के लिए, और वो भी उन फूड्स के लिए जो कि अनप्रिपेयर्ड स्टेट में उन्हें फ्रीजिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब वो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं यानी कि हम उसे कोई चीज़ कुक कर लेते हैं, कोई डिश बना लेते हैं, लेकिन उसे फ्रीज करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी देखें कि पोटैटो वेफल्स जो हैं, यानी कि अगर पोटैटो के चिप्स हम बना रहे हैं तो उसे फ्रीज करने की ज़रूरत है, लेकिन पोटैटो जो है बाई इटसेल्फ उसे फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर स्टोरेज के लिए। ओके, सो नेक्स्ट है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग, हम जितने भी हमारे पास चिप्स आते हैं उसे हम वैक्यूम पैकिंग के एग्जांपल में ले सकते हैं। वैक्यूम पैकिंग जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसे एयर टाइट बैग और बॉटल में स्टोर कर देते हैं फूड को, कि उसमें ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट ना आए, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ना आए, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे, सो वो रोट नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, स्पॉइल नहीं होगा। सो वैक्यूम इन्वायरमेंट जो है, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस तरह से ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट जो चिप्स वगैरह होते हैं, हम अक्सर देखते हैं उनके पैकेट्स खुले हुए होते हैं, वैक्यूम पैकिंग में वो किए हुए होते हैं ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो, स्पॉइल ना हो जाए। आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स हम यूज़ करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल फूड प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, यानी कि हम अक्सर देखते हैं कि शॉपिंग मॉल्स में लॉन्ग टाइम तक फूड जो है प्रिजर्व रहता है, उसमें ये आर्टिफिशियल एडिटिव्स डाले जाते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल होते हैं इन नेचर में, यानी कि वो इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट जो है ये फ्री रेडिकल को ख़त्म करता है, ऑक्सीजन ऑब्जर्वर होता है जिसकी वजह से फूड जो है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। एंटीऑक्सीडेंट को हम ऐसा फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। कॉमन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव जो कि यूज़ होती हैं उसमें आते हैं कैल्शियम प्रोपायरनेट, सोडियम नाइट्रेट, सल्फाइड्स एंड डाइसोडियम, EDTA, इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट इसे हम कहते हैं। ओके, ये सारे फूड प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है पिकलिंग का प्रोसेस है। पिकलिंग जो है ये बहुत ज़्यादा एंशियंट टाइम से ये भी चला आता आ रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए एडिबल लिक्विड्स डालते हैं, इसमें एंटी माइक्रोबियल एडिबल लिक्विड्स डालते हैं। पिकलिंग जो है ये ब्रॉडली कैटेगराइज की गई है एज केमिकल पिकलिंग, यानी कि एक केमिकल पिकलिंग होती है जिसमें हम केमिकल पिकलिंग में फूड जो है इसे हम एडिबल लिक्विड में प्लेस्ड कर देते हैं, जिससे उसमें वो ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती, वो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। दो टाइप्स की पिकलिंग यहाँ पे कैरेक्टराइज की गई है, एक है केमिकल पिकलिंग जिसका फर्स्ट जिक्र हो चुका है, जो कि हम जितने भी फूड्स वगैरह, अगर आप अभी भी शॉपिंग मॉल चले जाएँ वहाँ पर, जैसे कि हम ऑलिव्स देखते हैं, ऑलिव्स को एडिबल लिक्विड्स में डाला होता है तभी वो प्रिजर्व होते हैं। एक होती है टिपिकल पिकलिंग होती है जिसमें हम हाई सॉल्ट इंक्लूड ब्राइन, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, विनेगर यूज़ करते हैं या फिर अल्कोहल वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, और ज़्यादा स्पेशली ऑलिव ऑयल हम उसमें यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। इसमें हम ऑयल सॉल्ट वगैरह यूज़ करते हैं, विनेगर यूज़ करते हैं। इसकी एग्जाम्पल में हम अचार ले सकते हैं, पिकल जो होता है जो कि हम डिफरेंट वेजिटेबल्स से प्रिपेयर करते हैं, उससे वो टिपिकल पिकलिंग की एग्जाम्पल में आता है। केमिकल पिकलिंग में डिफरेंट केन्ड फूड्स जो होते हैं वो आते हैं, यानी कि हम अक्सर देते हैं पाइनएप्पल वगैरह कैंड फूड्स इंक्लूडेड है, वो जो होते हैं काफ़ी सालों तक मॉल में जो है वो प्रिजर्व रहते हैं बिकॉज ऑफ केमिकल पिकलिंग की वजह से। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल मिक्स वेजिटेबल्स एस पिकल्स हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है कैनिंग। कैनिंग क्या होती है, कैनिंग में जो है जो कुक्ड फूड्स होते हैं उसको कैनिंग, उसकी कैनिंग की जाती है, उसे इस तरह से सील स्टरलाइज तरीके से कैंस और जार्स में डाला जाता है और उन कंटेनर्स को फिर बॉयल किया जाता है ताकि उसके अंदर जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सारे किल हो जाए, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह रह गए हैं वो सारे वहाँ से स्टरलाइज हो जाए कम्प्लीटली। इसको हम कहते हैं कैनिंग प्रोसेस। ओके, डिफरेंट जार्स, स्टरलाइज जार्स में डाला जाता है फूड, कुक्ड फूड होता है।
फिर उसे स्टरलाइज किया जाता है एंड देन ये सप्लाई किया जाता है। और ये कैनिंग प्रोसेस जो है ये इन्वेंट किया था निकोलस एपोर्ट ने, जो कि जिनने फूड हैव वेरिंग डिग्री ऑफ नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पॉयलेज। फूड जो होता है उसके पास खुद की भी अपनी एक पावर होती है कि वो अपने आप को काफ़ी टाइम तक, कुछ टाइम तक जो है वो स्पॉयलेज होने से बचा सकता है। और उसके अंदर ये इन्होंने क्या किया कि अपनी उसकी जो नेचुरल पावर है उसको एक स्टेप और फाइनल स्टेप दे दिया, यानी कि उसे ये फाइनल स्टेप आकर होता है इन प्रेशर कुकर में, यानी कि फिर उन्हें प्रेशर कुकर की तरह हाई टेम्परेचर दे दिया ताकि वो स्टरलाइज हो जाए, और उससे भी ज़्यादा जितने ज़्यादा वो खुद हो सकते थे नेचुरल की प्रोटेक्शन थी उससे डबल हो जाए। जैसे कि फूड प्रिजर्व किया जाता है बाय कैनिंग और बॉटलिंग इज इमीडिएट रिस्क ऑफ स्पॉयलेज वंस अगेन, लेकिन इसका एक ये डिसएडवांटेज है कि जैसे ही वो कैन खोला जाता है उस पर ऑलरेडी मैंशन होता है कि जब आप ये कैन बॉटल खोल लें तो इसे आप इतने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसका फिर ये डिसएडवांटेज हो गया कि जैसे ही हम खोल लेते हैं तो उसका हाई रिस्क होता है स्पॉयलेज का, यानी कि वो आसानी से फिर स्पॉयल हो सकता है, कंटामिनेटेड हो सकता है सॉरी। सो हमारा टॉपिक है कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ऐसा प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ फूड ऐसे होते हैं अगर हम देखें जैसे कि चीज़ हो गई, वाइन्स वगैरह हो गए, सो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यानी कि ईयर्स तक ये प्रिजर्व्ड रहते हैं। किस वजह से? बिकॉज इनकी जो प्रिजर्वेशन है ये खुद भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से यूजेस से बने होते हैं, यानी कि उनकी प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है ताकि ये उसकी जो स्पॉयलेज है वो इतनी आसानी से ना हो बल्कि ईयर्स तक जो है वो हमारे साथ फॉर द यूजेबल फॉर्म में हो। सो उसमें जो है ऐसे बिनाइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं फॉर द हेल्थ के लिए, जिसकी वजह से वो स्पॉयलेज से काफ़ी टाइम तक बचे रहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये पैथोजेंस को अंदर आने नहीं देते और उनके लिए ऐसा टॉक्सिक इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट किया होता है, ऐसा एसिडिक और अल्कोहलिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस किया होता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पर। सॉल्ट हम यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल्ड, यानी कि यूजुअली कूल टेम्परेचर हम इसके लिए जो है वो यूज़ करते हैं, और लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन का लो लेवल। ये बातें यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉल्ट हम यूज़ कर सकते हैं, कूल टेम्परेचर ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, हाई टेम्परेचर नहीं, और लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है ये प्रिजर्व कर सकता है फूड को फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। ये इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे मेथड जो हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं फॉर स्पेसिफिकली फॉर फूड प्रिजर्वेटिव के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस फूड फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि जितनी भी फूड वगैरह जो हैं वो हमारी कंजप्शन के लिए रेडी किए जाते हैं है ताकि वो फिट भी हों हमारी कंजप्शन के लिए, हेल्पफुल भी रहें और प्रिजर्व भी रहें, कंटामिनेशन भी ना हो। फिर उसके बाद आते हैं कि बायो प्रिजर्वेशन क्या होती है। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रिजर्वेशन वही स्टोरेज वगैरह। सो बायो प्रिजर्वेशन यानी कि हम किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं उसको किस तरह से यूज़ करके प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। सो बायो प्रिजर्वेशन जो है इसमें हम नेचुरल और कंट्रोल माइक्रोबायोटा को हम यूज़ करते हैं या फिर एंटी माइक्रोबियल्स को हम यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि उसकी जो शेल्फ लाइफ है यानी कि जो उसकी जितनी भी लाइफ टाइम है वो जहाँ से वो स्टार्ट जो है वो राइट नाउ डेवलप्ड होता है टू देयर डिकेड तक, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो, कुछ टाइम के लिए इंक्रीज हो, जिसके लिए फूड जो है वो स्टोर्ड रहे फॉर यूजेबल पर्पस के लिए, शेल्फ लाइफ उसकी इंक्रीज कर दी जाती है थ्रू माइक्रोबायोटा, नेचुरल माइक्रोबायोटा को यूज़ करके। सो इसे हम कहते हैं बायो प्रिजर्वेशन। सो बायो प्रिजर्वेशन में बेनिफिशियल बैक्टीरियाज यूज़ किए जाते हैं या फिर जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं बाई दीज बैक्टीरियाज के यूज़ किए जाते हैं एज अ बायो प्रिजर्वेटिव के तौर पर टू कंट्रोल कर स्पॉयलेज को।
फिर इसकी वजह से जो है एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आजकल ये बहुत ज़्यादा एक्शन जो है अटेंशन गेन कर रहा है, बिकॉज बायो प्रिजर्वेटिव जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। एंड स्पेशली इसका जो मेन बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग ऑफ वाइन्स वगैरह के लिए, जो बनाए के यूज़ किया जाता है, जिसे हम लैब्स भी कह सकते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज एंटामेटाबोलाइट्स जो है ये हम यूज़ मेटाबोलाइट्स हम यूज़ करते हैं ऑफन। इसमें जो है एंटी माइक्रोबियल होते हैं, एक्टिव एंटी माइक्रोबियल होते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड लैक्टिक होता है एंड एसिटिक एसिड होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है एंड पेप्टाइड बैक्टीरियोसिन, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं इसमें, जो कि बायो प्रिजर्वेटिव के तौर पर एक्ट करते हैं। ओके फिर है सम लैब्स प्रोड्यूस करते हैं एंटी माइक्रोबियल नाइसिन, इसमें एंटी माइक्रोबियल नाइसिन भी कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम जो भी जो कि एक ऑल्सो प्रिजर्वेटिव इफेक्टिव प्रिजर्वेटिव है। सो ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज हैं इनके मेटाबोलाइट से एंटी माइक्रोबियल जो हैं वो डेवलप्ड किए जाते हैं, उसे बनाए जाते हैं या प्रोड्यूस किए करते हैं। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट प्रिजर्वेटिव प्रोड्यूस करता है फॉर फ्रूट प्रिजर्वेशन से, उसे स्पॉयल से बचाने के लिए। सो आजकल के दिनों में लैब बैक्टीरियोसिन जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन हर्डर टेक्नोलॉजी में। हर्डर टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं आगे कि क्या है होती है हर्डर टेक्नोलॉजी, ये यूजिंग दैम इन कम्बिनेशन विद अदर प्रिजर्वेटिव टेक्निक कैन इफेक्टिवली कंट्रोल स्पॉयलेज। अगर हम लैब्स को हम यूज़ करते हैं अदर प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स के साथ मिलाकर यूज़ करेंगे, तो इसे एक और अच्छा बेहतर रिजल्ट हमारे पास आएगा। हर्डर टेक्नोलॉजी क्या होती है? हर्डर टेक्नोलॉजी वो मैथड होता है, इज़ अ मैथड ऑफ इंश्योरिंग, जिसे हम इंश्योर करते हैं दैट पैथोजन इन फूड प्रोडक्ट कैन बी एलिमिनेटेड और कंट्रोल। हर्डर टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिससे हम इंश्योर करते हैं कि जो फूड के अंदर जो पैथोजेंस हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं या फिर कंट्रोल कर दिए गए हैं। दिस मीन द फूड प्रोडक्ट विल बी सेफ फॉर कंज्यूमेंट, जिसका मतलब ये होता है हर्डर टेक्नोलॉजी के अब फूड जो है वो सेफ है, उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो गई है, वो हमें मालूम हो जाती है कि हम इतनी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। हर्डर टेक्नोलॉजी जो है यूजुअली वर्क बाय कंबाइनिंग मोर देन वन अप्रोच। हर्डर टेक्नोलॉजी जो है इसमें सिर्फ एक अप्रोच यूज़ नहीं की जाती, बल्कि इसमें कम्बिनेशन अप्रोचेज यूज़ किए जाती हैं। फूड हैंडलिंग, फूड को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, हम किस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए ताकि इसे हम हाइजीनिक बना सकें, इसे हम हेल्थी बना सकें, सेफ बना सकें। सो द प्रोविजन हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ हाइजीन। पहले तो है जो FDA वाले हैं, फूड ड्रग अथॉरिटी वाले जो हैं, उनका ये काम होता है कि वो इस तरह की अवेयरनेस दे लोगों को कि किस तरह से हमने किस लेवल पे किस तरह से हाइजीन करनी है, उसे किस तरह से हेल्दी फूड को जो है कंजप्शन में लाना है जो, एंड मोस्टली जो है ये इंडस्ट्रियल लेवल पे करना चाहिए कि वहाँ के जितने एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं और जितने भी वॉलेंट्रीज हैं उन सबको बताना चाहिए कि किस तरह से हाई लेवल पर इंडस्ट्रियल लेवल पर हम किस तरह से फूड को हैंडल करना चाहिए। All employees paid or voluntary who handle food have a responsibility to maintain high standard of personal hygiene. जितने भी volunteer हैं जो कि food को handle करते हैं daily, उनका ये काम होता है food के साथ, तो उन्हें चाहिए कि अगर वो अपनी personal hygiene को standard बनाएंगे तभी वो food की hygiene को standard बना सकते हैं। So हमारा next topic है food handling। फूड हैंडलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। फूड हैंडलिंग जो है ये कहते किसे हैं, यानी कि जो फूड हमें प्रोवाइड किया जा रहा है या जो फूड हम ले रहे हैं उसे हमने किस तरह से हैंडल करना है और जो प्रोवाइड करने वाले हैं उन्होंने किस तरह से उसे हैंडल करके हमें देना है। सो प्रोविजन हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन एक्सेप्टेबल लेवल्स। सो प्रोविजन हम कहते हैं जो कि प्रोवाइड करने वाला है, यानी कि फूड हम जहाँ से ले रहे हैं हमें जो प्रोवाइड कर रहे हैं फूड, चाहे वो इंडस्ट्रियल लेवल पे हो, किसी मार्केट लेवल पे हो या कोई रेड़ी वाला हो, सो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जितनी भी हाइजीनिक लेवल्स हैं, यानी कि हेल्थ सेफ्टी के, यानी कि फूड को जिस तरह से सेफ किया जा सकता है
उस सब जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उन सब के एक्सेप्टेबल लेवल्स को मेंटेन करें, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो फूड वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेफ एंड हेल्थी होना चाहिए। और इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर हम बात करें तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी वॉलंटियर हैं जो कि फूड सप्लाई करने के चेन में शामिल हैं, होने चाहिए कि वो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो फूड को हैंडल करे सेफ तरीके से, उसके उसका स्टैंडर्ड जो है उसके जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो, और साथ साथ में फूड का भी स्टैंडर्ड मेंटेन हो और उनकी जो खुद की पर्सनल हाइजीन है वो भी मेंटेन हो। यानी कि अगर ख़ुद वो पर्सनली हाइजेनिक होंगे देन ही वो किसी चीज़ को अच्छी तरह से उसकी हाइजीन का भी ध्यान रख सकते हैं। सो नेक्स्ट है कि रिफ्रेन फूड फ्रॉम हैंडलिंग, यानी कि हमने उन लोगों को फूड हैंडल करने नहीं देना है, यानी कि उन्हें रिफ्रेन करना है, मना करना है फूड हैंडलिंग, यानी कि फूड को हैंडल करने से मना करना है। जैसे कि अगर हमारे घर में हो गया है फॉर एग्जांपल, सो जो कि अगर सफ़र करें यानी कि अगर उन्हें कोई बीमारी वगैरह हो गई है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई है, जैसे कि अगर अल्सर्स वगैरह हैं या कट रैशेज़ वगैरह हैं, किसी को डायरिया हो गया है, डायरिया बैक्टीरियल डिजीज़ है, अगर आई की कोई डिजीज़ हो गई है इन्फेक्शियस, ईयर की या फिर थ्रॉट इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो उन्हें हमने फूड हैंडल करने नहीं देना है, उन्हें रिफ्रेन करना है, मना करना है। बिकॉज जो है अगर उनकी हाइजीन अगर बाय चांस जो है वो सही ना हुई तो वो बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकते हैं फूड में एंड देन ये कॉज कर सकती है फूड बोन डिजीज़। फिर इसके बाद है कि अगर हमें अगर हम कहीं से फ़ूड वगैरह ले रहे हैं किसी मार्केट से, किसी शॉपिंग मॉल से, और वहाँ पे कोई फूड जो है वहाँ पे उसकी स्टोरेज डैमेज हुई हो या उसमें कोई फॉल्ट हो पहले से ही, या फिर उसकी प्रिपरेशन या सर्विस इक्विपमेंट सही नहीं है, सो हमने जो है उन्हीं पर्सन्स को जो है उसके बारे में इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है कि ये चीज़ इस तरह की, इसकी पैकेजिंग सही नहीं थी, इसकी स्टोरेज सही नहीं थी, तो वो ये चीज़ें हमने यूज़ नहीं करनी है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ हैंडलिंग फूड, कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऐसे दिए गए हैं जिससे हमने फूड को सेफ तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सो पहली बात, फूड हैंडलिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने उसे किस तरह से, अगर हमारे किचन में कोई फूड आ गया तो हमने उसे किस तरह से सेफ तरीके से स्टोर करना है, ये करना है, वो करना है। ये ओवरऑल फूड चेन का जो जहाँ से हार्वेस्ट किया जाता है यानी कि उगाया जाता है वहाँ से लेके हमारे मुँह के अंदर जाने तक, इसके दरमियान में जितनी भी स्टेप्स आते हैं उन सब वहाँ उन सब स्टेप्स पे जो है फूड को हेल्दी रखना, उसे सेफ रखना, उसे हाइजीनिक रखना, ये सारे फूड हैंडलिंग में आते हैं। सो हमने जो है फूड अगर जब भी हम परचेज करें यानी कि ख़रीद रहे हों तो हमने सेफ सोर्स से ख़रीदना है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ का जो फूड है यानी कि यहाँ से जो हम चीज़ ख़रीद रहे हैं वो सही होती है, साफ़ होती है और हेल्दी है। हम अगर फूड बना रहे हैं यानी कि पका रहे हैं तो वो हमने सही तरीके से पकाना है उसे, यानी कि अगर हम कोई मीट या फिर चिकन वगैरह बना रहे हैं तो उसे हमने एडिक्वेट टेम्परेचर्स पे जो है वो एडिक्वेटली कुक करना है, उसे कच्चा वगैरह नहीं छोड़ना है। हमने टेम्परेचर जो है वो करेक्ट टेम्परेचर्स पे हमने फूड को कुक करना है, और जितने भी कुकिंग के इक्विपमेंट्स हैं उन्हें सही तरीके से सैनिटाइज यानी कि धोना है फूड प्रिपेयर करने से पहले। फिर है हमने प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना है फूड पकाने के दौरान यानी खाना पकाने के दौरान, और क्रॉस कंटामिनेशन से बचाना है। यानी कि क्रॉस कंटामिनेशन किस तरह हो सकती है कि अगर एक जगह पे कोई पोल्ट्री फूड है यानी कि चिकन वगैरह या मीट वगैरह है, दूसरी जगह पे वेजिटेबल्स हैं, तो उन्हें हमने कॉन्टैक्ट में नहीं डाला है। और क्रॉस कंटामिनेशन से भी, क्रॉस कंटामिनेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर हमें कोई, जैसे कि हमने ऊपर बात की कि अगर कोई इन्फेक्शियस बंदा है उसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गई है तो उसे हमने फूड हैंडलिंग से बचाना है कि वो ना करें, किचन में काम ना करें। हीट करेंगे फूड को, अगर हीट की ज़रूरत है तो सही एडिक्वेटली हीट प्रोवाइड करनी है, एंड अगर उसे रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत है तो उसे रेफ्रिजरेट करना है। जब भी हम कुकिंग यानी कि कर रहे हों यानी कि तो अगर हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं फूड के, तो अगर उसकी जो रेसिपीज़ होती हैं और उसके पैकेट के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमने अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं। अक्सर उसके पैकेट पे इंस्ट्रक्शंस जो है वो लेबल की गई होती हैं कि कीप इट क्लीन, के इसे साफ़ जगह पे रखना है, या फिर अगर कोई रेफ्रिजरेट वाला हो कि अगर इसे हमने खोलने से बाद, अक्सर वो दूध के पैकेट्स पे लिखा होता है कि जब आप इसे खोलें तो उसके बाद कीप इट कूल यानी कि इसे रेफ्रिजरेट करें वरना ये ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो सकता है।
कीप इट कवर्ड, या फिर लिखा होता है कि इसे मॉइस्ट जगह पे नहीं रखना है, इसे ड्राई जगह पे नहीं रखना, इसे सनलाइट से बचाना है. सो ये सारे इंस्ट्रक्शन हमने केयरफुली पढ़ने हैं और उसे फॉलो भी करना है. फिर आता है इसका फूड बोर्न डिजीजेज, मेन टॉपिक है. फूड बोर्न डिजीज का कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड है. सो फूड बोर्न डिजीजेज जो होती हैं, यानी कि जो कि फूड से लगती हैं, फूड के क्रॉस कंटामिनेशन से भी ये हो सकता है. यानी कि अगर कोई कंटामिनेटेड फूड है, स्पॉइल्ड फूड है, तो उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं और अगर हम वो खा लेते हैं तो उससे फूड बोर्न डिजीजेज हो जाती है. पॉइजिंग हो सकती है, फूड पॉइजिंग हो सकती है. तो फूड बोर्न डिजीज का सबसे मेन जो डिजीज है वो फूड पॉइजनिंग ही है. यानी कि अगर हम कोई ख़राब स्पॉइल चीज़ खा लेते हैं, अदरवाइज डायरिया, फीवर वगैरह ये सारे भी इसमें इन्वॉल्व है. फूड बोर्न इलनेसेस जो होती हैं, ये फूड अगर हम कोई ऐसी चीज़ें खा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें पी रहे हैं है जिसमें बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, वायरस है, वो कंटामिनेट ऑलरेडी हो चुका है. जैसे कि मैंने आपको स्पॉइल फूड की मिसाल दी. हार्मफुल केमिकल्स जो होती हैं जो कि कॉज करते हैं फूड बोर्न इलनेसेस, अगर वो कंटामिनेटेड हो गई हैं, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम घर में लाके ही इसे कंटामिनेट कर लें. हार्वेस्टिंग, यानी कि जैसे कि मैं आपको कहा कि जहाँ से हार्वेस्ट होते उगाए जाते हैं, वहाँ से निकाले जाते हैं, उसे पैक साफ़ किया जाता है, फिर उसके बाद उसे डिफरेंट जो है ट्रक्स वगैरह में भर के हर जगह पर सप्लाई किया जाता है. ये पूरी जो सप्लाई चेन होती है हमारे मुँह तक जाने तक, हमारे पकाने तक, फिर उसके बाद हम खा लेते हैं, उस तक जो है इसकी डिफरेंट इतने ज्यादा स्टेप्स आते हैं. इसमें कहीं पे भी कंटामिनेशन हो सकती है इसकी. फिर है फूड बोर्न इलनेसेस जो होती हैं, इसमें बहुत सारे मेन सिम्टम जो होते हैं वो अपसेट स्टमक का मेन सिम्टम होता है. यानी कि स्टमक इससे ज़्यादा ख़राब होता है, डायरिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डिहाइड्रेशन वगैरह इसमें सारे इन्वॉल्व है. मोस्ट फूड बोर्न इन्फेक्शन जो होती हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे फूड बोर्न डिजीज़ हैं जो कि अनडायग्नोस्ड हैं, अनरिपोर्टेड हैं. सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जो है CDC, जिसे हम कहते हैं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के लिए बनाई गई है ये ऑर्गेनाइजेशन. ये एस्टिमेट करती है कि 76 मिलियन पीपल जो है, 76 मिलियन पीपल यूनाइटेड स्टेट्स में जो है हर साल इल होते हैं फ्रॉम फूड बोर्न डिजीजेस की वजह से, जो है बीमार होते हैं, और जिसमें से 5,000 लोग जो है वो हर साल मर जाते हैं. फिर है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. हम किस तरह से जो है फूड बोर्न डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरह से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय फॉलोइंग दी स्टेप्स. सो रेफ्रिजरेट हमने करना है फूड को प्रॉम्प्टली, यानी कि अगर फूड जो है उसे रेफ्रिजरेट की ज़रूरत है तो उसे हमने रेफ्रिजरेट करना है. और इफ़ प्रिपेयर्ड फूड, यानी कि अगर हमने कोई खाना वगैरह बना लिया, सालन वगैरह बना लिया है, सो अगर उसे हमने रूम टेम्परेचर पर 2 घंटे से ज़्यादा हमने उसे नहीं छोड़ना है. ये यूज़ में आ सकता है, 2 घंटे से ज़्यादा हमने नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर 2 घंटे से ज़्यादा हमने उसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया, उसके बाद वो खाने के काबिल नहीं होगा. सो हमने जो है रेफ्रिजरेट करना होता है कुक फूड को एट 40 फॉरेनहाइट पे, या फिर उसे हम फ्रीज कर सकते हैं 0 फॉरेनहाइट पे. रेफ्रिजरेट यानी कि कूल करेंगे 40 फॉरेनहाइट पे एंड 0 फॉरेनहाइट पे इसे फ्रीज कर देंगे. कुक फूड जो होता है, कुक फूड टू द एप्रोप्रिएट इंटरनल टेम्परेचर. हमने जो है हर फूड को, यानी कि सब्जी के पकाने का अपना टेम्परेचर होता है कि हमने उसे कितनी तक पकाना है, कितने टेम्परेचर तक पकाना है, कितने टाइम तक पकाना है. सो चिकन का अलग होता है, मीट का अलग होता है, उस पर ज़्यादा टाइम लगता है. सो 145 फॉरेनहाइट पे हमने रोस्ट करने हैं, अगर कोई रोस्ट वगैरह बनाना है चिकन रोस्ट, बीफ का या लैम्ब का. 160 फॉरेनहाइट जो है फॉर ग्राउंड लैम्ब एंड ग्राउंड बीफ. ग्राउंड लैम एंड ग्राउंड बीफ जो है इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस बीफ जो होता है वो ज़रा जो लैम्ब है, लैम्ब मीट जो होता है वो ज़रा स्टिकी सा होता है देन बीफ से. 165 ये ग्राउंड और जो ग्राउंड बीफ, ग्राउंड लैम, ये इसका कोई वो अलग डिफरेंस नहीं है, वो भी वही चीज़ है. 165 फॉरेनहाइट पे फॉर ग्राउंड पोल्ट्री एंड 180 फॉरेनहाइट फॉर होल पोल्ट्री. ग्राउंड पोल्ट्री जो होती है हम कहते हैं, यानी कि वो मीट जो कि बोनलेस हो उसे हम ग्राउंड पोल्ट्री कहते हैं. एंड 180 डिग्री फॉर जैसे कि कीमा वगैरह हो गया. एंड 180 फॉरेनहाइट फॉर होल पोल्ट्री. होल पोल्ट्री हम कहते हैं जो कि ज़्यादा लाइवली कंडीशन जो होती है, यानी कि जब चिकन जो होती है अगर उसे आप उसकी सिर्फ खाल वगैरह उतारे, वो बिल्कुल अपनी ही उसमें है, यानी कि काटा वगैरह ना हो, तो उसे हम कहते हैं होल पोल्ट्री. ओके, बोन्स के साथ जो होता है.
थर्मोमीटर भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए टेम्परेचर के, हाँ क्या इसका टेम्परेचर पूरा हो गया है या नहीं हो गया। अदरवाइज ये टेम्परेचर्स वगैरह इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर्स के लिए। फूड जो होता है इसे हमने प्रॉपरली कुक्ड करना है और अगर इसे हम कुक्ड प्रॉपरली ओनली व्हेन दे आर हीटेड लॉन्ग इनफ एट हाई इनफ टेम्परेचर टुगेदर। हमने फूड जो है उसे तब तक हीट करना है या फिर तब तक रेफ्रिजरेट करना है जब तक कि उसके अंदर जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जितनी भी बैक्टीरिया है जो कि कॉज कर सकते हैं इलनेसेस, वो तब जब तक कि उसमें किल ना हो जाए तब तक हमने फूड को हीट करना है या फिर रेफ्रिजरेट करना है उतने टाइम तक या उतने टेम्परेचर पे। क्रॉस कंटेमिनेशन से हमने फूड को बचाना है क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक फूड से दूसरे फूड में भी स्प्रेड हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट इसके जो है वो एट डिफरेंट पॉइंट्स पे ये हो सकता है। यानी कि अगर हम कटिंग बोर्ड जो है वो मीट के लिए और वेजिटेबल्स की एक इस्तेमाल करें तो उसमें मीट में ऑलरेडी बैक्टीरिया वगैरह है सो वो उसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नाइफ्स वगैरह अगर हम सेम यूज़ करें मीट एंड वेजिटेबल्स के लिए, स्पॉन्जेस जो है उसकी वजह से भी फैल सकता है। काउंटर टॉप्स जो होते हैं यानी कि जो कपड़े वगैरह होते हैं है जो हम यूज़ करते हैं किचन के लिए, वो उसकी वजह से हो सकता है। हमने रॉ मीट और पोल्ट्री या सी फूड जो है इसे हमने पके हुए खाने से बिल्कुल अलग करना है। यानी कि अगर हमने कोई खाना पका लिया, कोई सालन पका लिया है और उसी के साथ हमने कोई चिकन कच्ची रख दी है सो उसके वो बैक्टीरिया भी उधर ट्रांसफ़र हो सकती हैं। हमने फूड को हैंडल करना है प्रॉपरली। हमेशा हम जो है जब भी कुक खाना बनाने जा रहे हो तो उससे पहले हमने हैंड वॉशिंग करनी है 20 सेकेंड्स तक एटलीस्ट वार्म वाटर से, सोपी वाटर से, यानी कि साबुन से अच्छी तरह हमने हाथ धो लिए हैं है फूड खाना बनाने से पहले भी और खाना बनाने के बाद भी। और जब हम जो है मीट या चिकन वगैरह अगर हम धो रहे हों या फिश वगैरह शेलफिश या फिर एग्स वगैरह जो है अगर हमने उसको हाथ लगाया है उसके बाद हम कोई दूसरी सब्जी वगैरह काट रहे हैं तो तब भी हमने हाथ धोने हैं। एंड अगर हमने बाथरूम अटेंड किया है या फिर कोई डायपर्स वगैरह किसी के जो है वो चेंज किए हैं या फिर किसी एनिमल्स वगैरह को, बिल्ली वगैरह को हमने टच किया है सो और उसके बाद हम खाना बनाने जा रहे हैं तो हमने हैंड हाइजीन का जो है वो मस्त ध्यान रखना है। बिकॉज जो जितनी भी डिजीजेस जो हैं वो क्रॉस कंटामिनेशन जो है उसका हम तोड़ सकते हैं एट द चेन ऑफ ट्रांसमिशन पे। ट्रांसमिशन जो है वो होती ही हैंड से है सो अगर हम हैंड हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें तो इससे बहुत ज़्यादा डिजीज प्रिवेंट हो सकती हैं। हमने जितने भी यूटेंसिल्स एंड की जितनी भी बर्तन वगैरह हैं वो सारे हमने साफ़ करने हैं है खाना उसमें डालने से पहले और डालने के बाद जब हम यूज़ करने उसके बाद भी हमने हॉट सोपी वाटर से उसे धो लेना है, सैनिटाइज करना है विद द डाइल्यूट ब्लीच। हम इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टीस्पून हम ब्लीच यूज़ कर सकते हैं इन 1 क्वार्ट ऑफ हॉट वाटर में, यानी कि 1 लीटर ऑफ हॉट वाटर में 1 क्वार्ट में 1000 ml जो है वो आता है वाटर आता है। वॉश करेंगे स्पॉन्जेस को, जिन्हें भी हम बर्तन धोने वाले साबुन या जो स्पॉन्ज वगैरह यूज़ करें हैं या डिश के टॉवल्स जो है वीकली हमने एक दफ़ा उसे वॉशिंग मशीन में हॉट वाटर से धो लेना है। कीप कोल्ड फूड कोल्ड एंड हॉट फूड और जितने भी जो जिन चीज़ों को जिन फूड्स को हमने कोल्ड टेम्परेचर पर रखना होता है उसे हमने सही से वो टेम्परेचर जो है जिन्हें हमने हॉट टेम्परेचर पर रखना होता है उन्हें हम हॉट उतना ही वो टेम्परेचर देना है। हमने हॉट कुक्ड फूड का जो टेम्परेचर है वो 140 और हायर रखना है और रीहीट अगर हम करें यानी कि हमने कोई फ्रिज में चीज़ रख दी है उसे हमने वापस से गर्म करना है तो 165 फारेनहाइट पे एटलीस्ट हमने गर्म करना है उसे ताकि उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे किल हो जाए। फिर है हमने रेफ्रिजरेट और फ्रीज करना है प्रेशरेबल्स को। प्रेशरेबल्स जो होती है हम उन फूड को कहते हैं जो कि जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, सब्जेक्ट टू रैपिड डिके यानी कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि बटर हो गया, एग्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए सो ना हमने रेफ्रिजरेट कर लेना है। प्रिपेयर्ड फूड और जितने भी खाना रह जाता है या जो हमने खाना बना लिया है उसे हमने विद इन 2 आवर्स के रेफ्रिजरेट करना है वरना वो डिके हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा।
हमने कभी भी डीफ्रोज नहीं करना है फूड को एट किचन काउंटर पे, यानी कि अगर हमने कोई चीज़ बर्फ कर दी है यानी कि फुली वो फ्रीज हो गई है, उसके बाद हमने उसे निकाल के किचन काउंटर पे छोड़ दिया है डीफ्रोज, यानी कि उसे वापस से गर्म करने के लिए हम जो रूम टेम्परेचर होता है उसे यूज़ कर रहे हैं। सो हमने ऐसा नहीं करना है क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है बैक्टीरिया वगैरह ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बिकॉज जब हमने रेफ्रिजरेट किया होता है तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर होते भी हैं तो वो स्टेटिंग कंडीशन में आ जाते हैं, लेकिन जब हमने फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है सो वो वापस से जो है एक्टिव हो जाते हैं एंड स्प्रेड हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं दूसरे फूड्स में। सो हमने रेफ्रिजरेट करना है, कोल्ड रनिंग वाटर यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेवर लेट फूड स्टोर रूम टेम्परेचर में, हमने कभी भी फूड को स्टोर नहीं करना है, हमेशा रेफ्रिजरेट करना है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेफ्ट ओवर जो होते हैं, यानी कि अगर जो भी खाना वगैरह रह गया तो उसे हमने स्मॉल कंटेनर्स में, यानी कि टिफिन्स वगैरह जो होते हैं स्मॉल, उसमें हमने डालकर क्विकली फूड जो है उसे रेफ्रिजरेट कर देना है। जितने भी अनपैक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं उन सबको हमने वॉश करना है अच्छी तरीके से, और जो कि पैक्ड भी हैं एंड दोज पैक्ड पैकेज्ड एंड नॉट मार्क प्री वॉश्ड अंडर रनिंग वाटर जस्ट बिफोर ईटिंग कटिंग और कुकिंग, यानी कि जो अनपैक फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उन्हें तो हमने वॉश करना ही है, लेकिन जो पैक भी है और उस पर लिखा भी उस पर अगर मार्क्स नहीं है कि प्री वॉश्ड हमने करना है या नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमने खाने से पहले जो है हमेशा उसे धोना है अच्छी तरीके से, या फिर अगर हम काट रहे हैं उससे पहले हमने धोना है और बनाने से पहले ज़रूर धोना है हमने हर चीज़ को। जितने भी ड्राई ऑल प्रोडक्ट्स विद अ पेपर टावल, और जब हमने धो लेनी है जितनी भी चीज़ों को तो उसे हमने फिर पेपर टावल जो होता है उसे हमने ड्राई भी करना है ताकि कोई भी पॉसिबल बैक्टीरिया जो है वो उस पर ना हो, यानी कि ग्रो ना कर सके अगर हो भी। हमने रेफ्रिजरेटर जो है उसे कभी भी पैक नहीं करना है, बिकॉज रेफ्रिजरेटर जो होता है उसके अंदर जो है वो कूल करता है, लेकिन उसके अंदर की जो हीट होती है वो सारी उसके जो एयर सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है वो उससे वापस निकलती है, तो कूल एयर मस्ट सर्कुलेट करनी चाहिए टू कीप करे फूड को सेव रखने के लिए। रेफ्रिजरेटर जो है उसे कभी भी पैक नहीं करना है डब्बे में। ओके, द लास्ट कोट इज़ टू ईट इज़ अ नेसेसिटी बट टू ईट इंटेलिजेंटली इज़ एन आर्ट, यानी कि एक खाना जो है वो एक ज़रूरत है, नेसेसिटी है, बट अगर हम इंटेलिजेंटली खा रहे हैं तो ये एक आर्ट है, यानी कि इंटेलिजेंटली सेफ तरीके से हेल्थी फूड खा रहे हैं सो ये एक आर्ट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फूड सैनिटेशन जो कि हमने पढ़ा, जिसमें हमने फूड सैनिटेशन के जितने भी पर्पसेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे पढ़ लिए। हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं फूड्स को, किस तरह से फूड बोर्न डिजीजेस से बच सकते हैं, किस तरह से हम सेफ तरीके से फूड खा सकते हैं, ये सारा हमने इसके टॉपिक में डिस्कस किया। सो होप्स आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, अगर आपको आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही, हेल्पफुल रही, सो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।